नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं हम लोग के नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3। यहाँ आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये सेकंड चैप्टर ही इसको मान के चलिए। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका 3 इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड बीच में है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो है कि हम लोग बाद में उसमें डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे, आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, पूरे 8 के 8 जितने हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज एवरी वर्ड इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस डिनोट्स व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू, ठीक। ये आपको जानकारी मिल गई डेफिनेशन की। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का क्या कहना है, ऑक्सफर्ड लर्नर्स डिक्शनरी डिफाइंस पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वन ऑफ द क्लासेस इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर सच एज नाउन वर्ब एडजेक्टिव एक्सेट्रा, ओके। द कैम्ब्रिज डिक्शनरी व्हाट प्रोवाइड्स ऑल्सो गिव्स अ सिमिलर डेफिनेशन। वन ऑफ द ग्रामेटिकल ग्रुप्स into which words are divided such as noun, verb and adjective etc. these are called parts of speech. हम लोग की speech में जो parts words play करते हैं उन्हें parts of speech कहते हैं। जैसे हमने किसी से बात की English में, अगर बात करें तो हम कहेंगे कि वह जा रहा है, English में हमने use किया कि he is going, तो he is go प्लस ing प्लस फुल स्टॉप, ये सारे मेरे पार्ट्स हैं स्पीच के। ही है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, गो है वर्ब, ing है उसका जेरंड फॉर्म, फुल स्टॉप है पंक्चुएशन मार्क, ठीक। तो सारी चीजें हम लोग एक करके पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है 8। इसके अलावा अगर इसमें इंक्लूड करना चाहें तो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, डिटर्मिनर्स को इसमें ले सकते हैं, जनरली भी लिया नहीं जाता है लेकिन डिटर्मिनर्स को ले सकते हैं। एडजेक्टिव्स है तो एडजेक्टिव्स में इसमें डिग्री भी होनी चाहिए, बट डिग्री नहीं है, हम लोग डिग्री के बारे में अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, नाउन्स। सेकेंड इज प्रोनाउंस। थर्ड इज वर्ब्स। फोर्थ वन इज एडवर्ब्स। फिफ्थ वन इज एडजेक्टिव्स। सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशंस। सेवन्थ कंजंक्शंस। 8 इंटरसेक्शंस। इंटरजेक्शंस, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर इज इंटरसेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन। नाउन का हम लोग रूप धारण करते हैं, व्हाट इज नाउन, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। नाउन्स आर द पार्ट ऑफ स्पीच दैट कंप्राइजेस words that are used to name a place, people, animals, objects, ideas. Almost every sentence will definitely have a noun and they perform different roles in a sentence. Nouns can act as the subject, an indirect object, a direct object, a subject complement and object complement. हमने सारी चर्चा इन सब के बारे में कर दी है वीडियोज में, आप लोग वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। Nouns can also function as adjectives and adverbs. Also function as adjectives and verbs. ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है types of nouns. Types of nouns को सबसे पहले क्या है, proper noun. Second one is common noun. Third one is singular or plural noun. Fourth countable or uncountable nouns. Fifth one is collective nouns. Sixth one is concrete. Seven is abstract. Eight is compound nouns. Nine is possessive nouns. Ten is noun phrase. एक और इसमें include कर लीजिए 11th number पे, noun gender. और एक और include करना चाहते हैं तो noun clause. वो clause के chapter में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन noun clause वाले chapter में हम लोग clause वाले chapter में हम लोग noun clause पूरा पढ़ेंगे. Proper कॉमन नाउन आपको पता ही है
कि कैसे काम करता है प्रॉपर नाउन, जहाँ पे किसी एक प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, कॉमन नाउन जो सब में कॉमन, जैसे स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, हम लोगों ने इसमें सारे जेंडर की बात कर ली कॉमन नाउन। सिंगुलर और प्लूरल नाउन तो आपको पता ही है कि क्या होता है सिंगुलर प्लूरल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। आपसे कोई पूछे तो आप पूरा मिला के 12 नाउन्स बताएगा। समवन आस्क्स यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, सो यू विल टेल 12 नाउन्स। तो पहले उसको तो 4-5 पता होंगे, पूछेगा 12 नाउन कैसे, जरा काउंट करवाइए, तो आप तुरंत काउंट करवा दीजिएगा। 13 भी हो सकता है अगर सिंगुलर प्लूरल को हटा दें, काउंटेबल अनकाउंटेबल को हटा दें, एक एक कर दें इसको, तो इसमें भी ढेर सारी इसमें टाइप्स हो जाएंगे, 15 चला जाएगा ये। तो आप जब नाम देंगे तो ऐसे दीजिएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कंपाउंड नाउन, पोजेसिव नाउन्स, नाउन फ्रेज, नाउन जेंडर एंड नाउन क्लॉज। ये सारी चीज़ें 12-13 नाउन में आ जाएंगी आराम से। ठीक, सिंगुलर प्लूरल आपको पता है कि जहाँ पर सिंगुलर है उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं, जहाँ प्लूरल है एक से ज़्यादा है वहाँ पे प्लूरल नाउन कहते हैं, एकवचन बहुवचन। काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स ग्रुप की बात उसमें हम लोग करते हैं, हर तरीके के ग्रुप का नाम ही नाउन्स पे अलग अलग होता है, कलेक्टिव नाउन्स वो हम लोग भी पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जैसे कि कोई द्रव्यमान चीज़ होती है, लिक्विड होती है, उसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन्स बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जैसे भाव हम लोग प्रकट करते हैं। कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जिसमें दो या एक से या दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को आपस में, जैसे राहुल एंड श्याम, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। पॉजिटिव नाउन्स, पॉजिटिव नाउन्स क्या होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज भी देखेंगे क्या होता है, एक एक करके हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नाउन के सारे डिटेल के साथ, प्रॉपर से लेके नाउन फ्रेज तक। थैंक यू।